नेक्स्ट हम देखते हैं लुई थर्स्टोन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टोन के अनुसार इंटेलिजेंस जो है उसमें सात या सेवन प्राइमरी एबिलिटीज होते हैं जैसे कि वर्बल कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल फैकल्टी स्पेशल विजुअलाइजेशन एसोसिएटिव मेमोरी परसेप्शन स्पीड और रीजनिंग एबिलिटी और ये सारे जो एबिलिटीज़ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है यानी कि एक पर्सन के पास बहुत अच्छा न्यूमेरिकल फैकल्टी यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं उनका मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो बहुत ही बेहतर है लेकिन उनका जो कॉम्प्रहेंशन और वर्बल फ्लुएंसी है वो मिसिंग है या फिर एक पर्सन के पास ये सारे टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में तो इस तरह से ये एबिलिटीज़ जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थियरी में थर्स ने सात टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ के बारे में बात किया है और अगर आप देखते हैं तो थर्स का जो थ्योरी है वो शायद द हवर्ड गार्डनर का भी इंस्पिरेशन था क्योंकि उनके मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो हवर्ड गार्डनर का थ्योरी जो है वो इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे